नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। पुलिस की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस ने एसपी कार्यालय सहित पुलिस थानों में दिया धरना। सांसद का दिखा अनोखा अंदाज। क्वारंटाइन सेंटर में खुद से की सफाई। शहर के 3 स्थानों पर संचालित होंगी सब्जी मंडी। अब सुबह 4 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी मंडी। खबरें अब विस्तार से। रीवा में पुलिस की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस ने एसपी कार्यालय सहित पुलिस थानों में दिया धरना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तख्ती लेकर जताया विरोध। लॉकडाउन के दौरान आम जनता के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी लामबंद हो गई है। पार्टी ने पुलिस की तानाशाही के विरोध में मोर्चा खोलते हुए एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस एसपी कार्यालय के चबूतरे में लाइन से बैठे रहे। इसके अलावा जिला पुलिस मुख्यालय सहित थानों में धरना दिया। इनके हाथों में तख्ती थी। कांग्रेस ने मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि पुलिस लगातार जनता कर्फ्यू का पालन कराने सख्ती दिखा रही है। किसानों, व्यापारियों सहित बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दुकान खुलने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सड़कों में पाए जाने पर वाहनों की हवा निकाली जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल हिंसा को लेकर एक दिन का धरना दिया गया, लेकिन उस पर पुलिस व जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस ने पुलिस पर आरोप लगाया कि एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। गरीब लोगों पर चालानी कार्यवाही कर लाखों वसूले गए, जबकि एसपी करोड़ों की वसूली कर मामा को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 3 लोग धरने पर बैठे हैं। अगर पुलिस का रवैया नहीं बदला और भाजपा पर FIR नहीं हुई तो 200 लोग धरने पर बैठेंगे। इस संबंध में प्रस्तुत है कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं वसीम रजा से प्राप्त जानकारी के अंश। FIR कर दिए, नहीं तो हम 15 दिन बाद फिर बड़े आंदोलन आज जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वान में पूरे जिले में एक विशेष मुद्दे को लेकर, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरीके से दोहरी राजनीति, दोहरा शासन और दोहरा कानून चल रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हर एक जिले में, माने रीवा जिले के हर एक थानों में अपने सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करते हुए एक प्रतीकात्मक धरना का देने का वो फैसला किया है, जिसके तहत आज हम लोग अमैया थाना में यहाँ पे हैं। चूँकि आज जिस तरीके से आम जनता प्रशासन का प्रकोप झेल रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ बड़ी बड़ी रैली और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आम जनता के ऊपर कहीं आप आपदा प्रबंधन की वो कार्रवाई हो जाती है, कोरोना की कार्रवाई हो जाती है। सब्जी व्यापारियों को पुलिस अधीक्षक के सामने आरक्षकों द्वारा लात मारी जाती है, व्यापारियों को थाने में बंद कर दिया जाता है और उनसे वसूली की जाती है और FIR दर्ज की जाती है। एक चंद्रशेखर तिवारी हैं पड़रा के, उनका बेटा शांत हो गया, दूसरा बेटा भर्ती था, वो दवाई के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर भी पुलिस ने डंडे से प्रहार किया और आप सबने उसे देखा भी और छापा भी है। परशुराम आश्रम तोड़ा गया और फिर बाद में सनकादिक महाराज जी से माफ़ी मांगी गई। ईद का दिन था और परशुराम जयंती थी, दो महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता के। उस दिन धर्म गुरुओं, हाफिज और मौलियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। परशुराम के अनुयायी हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। हमारे मुस्लिम धर्म के हमारे धर्म गुरु हैं मौलवी हाफिज जी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह लॉकडाउन का उल्लंघन है। लॉकडाउन का उल्लंघन है तो आपने मुकदमा दर्ज किया, स्वागत योग्य है, लेकिन धर्म गुरुओं ने उल्लंघन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो निरीक्षण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो 5 तारीख को बंगाल में उनके कार्यकर्ता मर गए, मध्य प्रदेश में धरना हुआ, जवा में हुआ, मऊगंज में हुआ, रीवा में हुआ, और आप सबने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छापा भी, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? यह दोहरा चरित्र है।
मैंने पहले 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा और ये 15 महीने का शासन देखा। रीवा के कलेक्टर और एसपी सत्ता पक्ष के गुलाम हैं। रीवा में रेमडेसिविर का इंजेक्शन नकली आया है और प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता पक्ष के इशारे पे रीवा के अंदर बिका, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि वह लड़का कहीं ना कहीं रीवा का था। जबलपुर इंजेक्शन आ गया, इंदौर आ गया, रीवा में भी आया है, इसकी जांच कराएं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएगा। आप कोरेक्स में कार्रवाई करते हो और दारू वालों को छूट देते हो, ये किसके इशारे पे दारू वालों को छूट दिया एसपी साहब ने? एसपी साहब का रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक भी दारू वाले खिलाफ कार्रवाई नहीं है, एक भी कार्रवाई इनकी नहीं है, किसके संरक्षण में? आप कहते हो हमने 10 लाख का जुर्माना वसूला, स्वागत है आपका, आपने जो लोग मर रहे हैं उनकी और पेट में लात मार के उनसे वसूली की, लेकिन उसके अलावा 10 लाख तो रसीदी हो गई, 10 लाख के ऊपर की वसूली? रीवा से 1 करोड़ की वसूली पुलिस प्रशासन कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है? विकास पुरुष के पास जा रहा है कि मामा के पास जा रहा है, या जांच का विषय है? मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को कि जो इन्होंने पुराना ऑक्सीजन प्लांट जो रखा हुआ था, पिछले साल भी कोरोना काल में दबा रह गया और इस साल भी दबा रहा, ऑक्सीजन की हाहाकार हुई, 48 घंटे के अंदर एक हफ्ते के अंदर नया प्लांट लगा दिया गया, लेकिन कुआं बगल में था, पानी बगल में था, वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं दिखाई दिया। वो विकास पुरुष कहाँ है? वो विकास पुरुष को वो प्लांट क्यों नहीं दिखा? कलेक्टर को वो प्लांट क्यों नहीं दिखा? यह कहीं ना कहीं विकास पुरुष की और कलेक्टर की अक्षमता है। लॉकडाउन का उल्लंघन कीजिए, न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो सत्ता दल के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, मुकदमा सब पे दर्ज। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के नेताओं के खिलाफ FIR कर दीजिए। आपने जो व्यापारियों के खिलाफ किया, आम जनमानस के खिलाफ किया, लाठी और डंडे से पीटा आपने आम जनमानस को, हमने सब सह लिया। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो हम सहने वाले नहीं। आज हम 3 लोगों के साथ पूरे ज़िले के अंदर, पूरे थानों के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम सब बैठे हैं। आने वाले समय में हम 200 के लोगों के साथ थाने के अंदर बैठेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। FIR होनी चाहिए लॉकडाउन को जो भी उल्लंघन करे, लेकिन विपक्ष के ऊपर होगी, व्यापारी के ऊपर होगी, आम जनता के ऊपर होगी, पत्रकार के ऊपर होगी, भाजपा के ऊपर? भाजपा को मिठाई और जनता की पिटाई। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र का दिखा अनोखा अंदाज, स्वच्छता अभियान को दिशा। सांसद जनार्दन मिश्र ने क्वारंटाइन सेंटर में खुद से की सफाई, लंबे समय से क्वारंटाइन सेंटर में था गंदगी का अंबार। मऊगंज जनपद के कुंज बिहारी क्वारंटाइन सेंटर में सांसद ने खुद ही सफाई की। हम आपको बता दें कि अक्सर स्वच्छता को लेकर अपने क्रियाकलापों से चौंकाने वाले रीवा सांसद का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर की सफाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद महोदय रीवा जिले के मऊगंज जनपद में कुंज बिहारी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन उनकी नज़र वहां बने शौचालय की गंदगी पर पड़ी, जिसके बाद सांसद जनार्दन मिश्र हाथों में ग्लव्स पहनकर उसे खुद ही साफ करने लगे। उसे पूरा साफ करने के बाद उन्होंने दम लिया। आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र हमेशा चर्चा में रहते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय मीडिया में भी कई बार उनके स्वच्छता संबंधी अभियान को लेकर खूब तारीफ हो चुकी है। इसके पहले कोरोना महामारी में जनार्दन मिश्रा घर घर जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों का बाहर से हालचाल लेते भी देखे गए थे और कोरोना की पहली लहर के दौरान उन्होंने रीवा कलेक्टर से कोविड वार्ड में साफ सफाई करने की अनुमति मांगी थी। बहरहाल सांसद महोदय, वीडियो वायरल होने के बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है एक झलकी। डस्टबिन टाइप का लाओ कुछ। डस्टबिन है।
अरे इनका उपयोग न हो ही न भरा है के प्रांत है जी इनका लगे ये बात क्या है कि जानी थे कि विद्यालय के सब लैट्रिन आई बनी हाँ हो जो बनी हाँ इनको पैसा मिला इसके लिए सुधारने के लिए के लिए नहीं तो इनका ऐसा सुधारी के मैंने सुध ही रहा है यार उनका काम हुआ काम न हो गया तो आप भी जानते हैं कि इन सब काम हो गया अपना अरे हम सारे के यहाँ तक कह रहे हैं कि तू कम से कम कुछ न करे लैट्रिन भर जरूर साफ करे रहे जो भिना देखेंगे तो घुस जाएंगे अब वह हो गया कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात्रिकालीन मंडी संचालन से होने वाली समस्याओं को लेकर सब्जी व्यापारियों ने विगत दिवस पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिस पर प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन मंडी के संचालन से उपजी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए सब्जी मंडी को सुबह संचालन हेतु बैठक की गई, जिस पर प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन मंडी के संचालन से उपजी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए सब्जी मंडी को सुबह संचालित करने हेतु बैठक में फैसला लिया गया। साथ ही कल या परसों से सब्जी मंडी रात्रिकालीन संचालन को रद्द कर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सब्जी व्यापारी अपना कारोबार कर सकेंगे। ये व्यवस्था संभवतः कल या परसों से शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि रात में मंडी संचालन से जहां व्यापारियों के साथ लूटपाट की आशंकाएं बनी रहती थी, वहीं सब्जी व्यापार से जुड़ी महिलाओं द्वारा भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना भी व्यक्त की गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी रात्रिकालीन मंडी संचालन का विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाते हुए अभी फिलहाल करहिया निपनिया एवं सन एंड मून रेस्टोरेंट के सामने चौराहा में सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी संचालित करने के लिए सहमति दी है। आपको बता दें कि एक ही स्थान पर मंडी संचालित होने से अधिक भीड़भाड़ भी होती थी तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा था। अब 3 स्थानों पर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मंडी के संचालन होने से भीड़भाड़ की समस्या से भी निजात मिलेगा, साथ ही व्यापारियों एवं महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस संबंध में प्रस्तुत है SDM चैलेंज सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। करहिया मंडी यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ संख्या लोगों की अधिक हो जाती है और इस वजह से मतलब उसको व्यवस्थित करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए ये सोचा जा रहा है कि 3 स्थानों पर इसको बांट दिया जाए, एक निपनिया में, करहिया मंडी में और तीसरा पॉइंट सन एंड मून रेस्टोरेंट के सामने जो जगह है वहाँ। इनका सर खुलने और बंद होने का समय क्या रहेगा? प्रातःकाल जल्दी खुलने के लिए किया है क्योंकि जो लोग होम डिलीवरी वाले हैं उनको सामग्री समय से उपलब्ध हो सके, तो इसलिए 4 बजे से 6 बजे तक है। 6 बजे से बाकी जो समय है 9 बजे तक का या 11 बजे तक का जो मतलब होम डिलीवरी वालों का टाइम वो यथा होता है। सर जो बाहर से ट्रक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? ट्रेडर्स और इनका जो माल यहाँ आता है उसको सुबह के ही समय एंट्री देके और वैसी व्यवस्था है जैसा पहले था, उसको सुबह के समय पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जैसे बाहर से किसान आते हैं
सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तहसीलदार साहब, टीआई साहब रहते हैं, सभी लोगों के पास सबके नंबर भी हैं और अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और घटना होगी भी नहीं। सभी लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और अलर्ट हैं। ये माना जाए अब से रात में मंडियां बंद हो गई, जो रात में जो खुल रही थी अब सीधे सुबह 4 से 6 बजे रात में मंडी। हाँ, अभी कल से हम लोगों का प्रयास है सभी लोगों से बात करके कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का प्रयास करें। कब से चालू हो जाएगी? अभी हम लोग इनसे चर्चा कर रहे हैं, कल से या नहीं तो अगले दिन से। खरीदी केंद्रों पर बेमौसम बारिश एवं बारदाना की कमी के चलते किसान परेशान। खरीदी केंद्रों पर पसीना बहा रहे हैं किसान। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मौसम और केंद्र प्रभारियों की मनमानी से किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। करहिया सहित कई केंद्रों में किसान कई दिनों से ट्रैक्टर ट्राली पर उपज लेकर खड़े हैं और केंद्र प्रभारी बारदाना आने का आश्वासन दे रहे हैं। तौल बंद होने से इलेक्ट्रॉनिक कांटा को एक जगह पर रख दिया गया है। इधर बारिश के दौरान कई केंद्रों पर गेहूं एक बार फिर भीग गया और जिम्मेदार तमाशबीन बने रहे। वहीं जिले में खरीद केंद्रों पर 15 लाख क्विंटल से अधिक की तौल हो चुकी है। परिवहनकर्ताओं की अनदेखी के चलते केंद्रों पर 3 लाख क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। बारिश के दौरान एक बार फिर गेहूं नम हो गया। सिरमौर, रीवा सहित अन्य परिवहनकर्ताओं की मनमानी इस कदर है कि गेहूं का परिवहन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस संबंध में आपको बता दें कि जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी MMH खान, SDM शैलेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा करहिया मंडी के चौराहटा, दुआरी एवं खैरा गेहूं केंद्र का निरीक्षण किया गया तथा समस्याओं से रूबरू हुए, समस्याओं के निराकरण की बात की गई। साथ ही वारदानों की कमी के संबंध में प्रशासन द्वारा बताया गया कि वारदाने कलकत्ता से चलकर मऊगंज तक पहुँच गए हैं। 1 से 1.5 घंटे में वारदाने खरीदी केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद चारों केंद्रों को 20,000 वारदाने उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं किसानों के वारदानों सहित तौलाई के नाम पर वसूली एवं पेयजल जैसी विभिन्न समस्याओं से मीडिया को अवगत कराया गया। प्रस्तुत है किसानों सहित जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी MMH खान से प्राप्त जानकारी के अंश। ये भाई मंडी में हम लोग आए हैं, मंडी में बारदाने खत्म हो गए हैं। सोना कहाँ है? हाँ यार, ठीक है। जबकि अगर तोला होगा 300 तो 170 निकल रहा है। नाम है भैया आपका? लाल बहादुर। कहाँ से आए हैं? इटहा से। क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे आपको? समस्या यहाँ 4-5 दिन से बोरी के लिए बोल रहे हैं कि बोरी नहीं, और किसान आके पड़े हुए हैं। केंद्र प्रभारी, किसी से बात हुई, किसी शिकायत क्या कुछ? अब कुछ नहीं। अभी जैसे आज अधिकारी लोग निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे बात की आपने? नहीं। कौन सा केंद्र है ये? दुआरी केंद्र। दुआरी केंद्र। और किस और कौन कौन सी समस्या है यहाँ पे? कोई हम आते थे समस्या आ रही थी, 4-5 दिन से लोग खड़े हैं। नहीं नहीं, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राजीव लोचन पांडे। कहाँ से आए हैं? अम्बा से। किस तरह की समस्या आ रही है, कौन सा खरीदी केंद्र आपका? खरीदी ग्राम केंद्र का यह है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जैसे ट्राली आके खड़ी हो गई, वो कहते हैं कि अभी हम 4-6 दिन 8 दिन पहले इनकी नहीं तौलाए हैं, तो आज का नहीं। अब जब जिसका मैसेज है 10 तारीख से 19 तारीख तक, अब वो ट्राली खड़ी है, 10 से 19 बीत गया तो उसका तौल होता ही नहीं है। कह देते हैं अब तुम्हारा मैसेज ख़त्म हो गया। अगर किसी का हो भी जाता हो, कहते हैं कि 1,000 तो चढ़ाएंगे कंप्यूटर में, नहीं तो हो गए, अब नहीं चढ़ाएंगे। अभी यही है, कमीशन मांगते हैं। तौलाने वाले से भी, ट्राली वाले से 1,000-2,000 लेते हैं, कहते हैं गेहूँ नहीं तो फेल है तुम्हारा, जबकि कितना भी साफ हो। ये कौन कहता? और वहाँ मिश्रा हैं, दुबे हैं, कई आदमी। नाम बताइए ना, जो केंद्र जो प्रभारी होंगे अटारिया ग्राम केंद्र के, उनका नाम हम नहीं, हमको मालूम नहीं है। अभी आज अधिकारी लोग निरीक्षण कर रहे थे, उनसे बताया आपने समस्या अपनी? अधिकारी तब तो वहाँ मैंने नहीं थे, अभी तो आप अभी आए, 3-4 दिन वहाँ रहे। शिकायत के आधार पर SDM साहब के साथ आए हुए थे केंद्र पर। इसमें आपके 3 केंद्रों की अभी जाँच की गई है। एक चौराहटा
के केंद्र है, एक दुवारी का केंद्र है और एक आपका खैरा है। ये तीन केंद्र को देखे हैं, किसानों से भी बात की गई है। किसानों द्वारा कहीं 12-13 रुपये कुंटल जो है किसानों से राशि लेने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन जो राशि ली जा रही है वो राशि ट्रैक्टर में जो लेके आए हैं उससे उतारने के और नीचे फड़ में रखाने के नाम पर राशि जो है वहाँ के हमाल ले रहे हैं। किसानों को समझाइश दी गई है कि वो अगर खुद अपने व्यवस्था से अगर फड़ पे गेहूँ उतारते हैं तो उनको कोई अतिरिक्त राशि नहीं देना होगी, गेहूँ भराई के तौलाई के किसी किस्म की कोई राशि नहीं लगेगी, बशर्ते वो खुद से वो व्यवस्था कर लें। सर, दुआरी केंद्र में लोगों का कहना है कि कुछ शिकायत हैं तौलाई के नाम पे और बारदाने की भी कुछ समस्या थी, पानी की भी समस्या सामने है। पानी की समस्या अभी सामने देखी गई है, पानी यहाँ हैंडपम्प जो है बंद होना वो लोग बता रहे हैं, दूर से पानी ला रहे हैं और कुछ व्यवस्था किए हैं टेम्परेरी व्यवस्था करके जो है बकेट में ला के पिलाने की व्यवस्था की हुई है। रहा सवाल बारदाने का, तो बारदाना अभी हमारा कलकत्ता से आ रहा है, अभी हमने फीडबैक लिया है। आपके मऊगंज जो है क्रॉस हो गई है गाड़ी, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाएगी इसको, हम 3-4-5 बजे तक इनको बारदाना 20-20 गठान चारों केंद्रों को उपलब्ध करा देंगे, बारदाने की समस्या हल हो जाएगी। कुछ लोग का आरोप है कि तुलाई के नाम पर पैसा लिया बताया, तो जो आरोप जो है वो ये है कि तुलाई के नाम पर किसान से 12-13 रुपये लिए जा रहे हैं, किसानों ने अभी समक्ष में बताया है। और लेकिन वहाँ जो देखने को मिला, जो उनके ट्रैक्टर से उतार कर रहे हैं वो यहाँ के हमाल उतार रहे हैं और वही हमाल नीचे फड़ में क्या नाम है गेहूँ उतार रहे हैं, उस नाम के वो पैसे ले रहे हैं। इसीलिए किसानों को कहा गया है कि अगर वो खुद फड़ में खाली कर देंगे तो अतिरिक्त तो कोई राशि उनको दे नहीं होगी। सब कुछ किसान कह रहे हैं कि हम पहले से आए हैं, हमारे बाद आने वालों को पहले तौलाई हुई, हम लोगों की बाद में हो रही है। अभी ऐसा तो कोई प्रूफ मिला नहीं है, इसलिए कि ये लोग जो यहाँ से मंडी के गेट से जो स्लिपें जारी हो रही उस आधार पर लेना बता रहे, ऐसा कोई अभी किसान नहीं आया है कि पहले वाला मेरे से पहले तौला के चला गया है, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है। सिर्फ अभी बारदाने की ही बात आ रही कि बारदाने की कमी होने की वजह से उनके तौलाई नहीं हो पाई, तो हम 4-5 बजे तक जैसे ही हमको बारदाने प्राप्त होते हैं 20-20 गठान चारों केंद्रों को देने के लिए तैयार। संदेहास्पद स्थिति में महिला का फांसी में लटकता मिला शव, पति एवं देवर पर हत्या का आरोप। गढ़ थाना क्षेत्र के डुगरगावा गांव में महिला की फांसी लगने के कारण मौत हो गई, जिस पर महिला के मायके पक्ष के द्वारा उसके पति एवं देवर पर हत्या का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि सरोज तिवारी का विवाह आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व उमेश तिवारी नामक व्यक्ति से हुआ था। परिजनों का आरोप है कि महिला का पति एवं देवर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ आए दिन मारपीट किया करते थे। 15 तारीख की सुबह 4 बजे परिजनों को यह सूचना दी गई थी कि सरोज ने फांसी लगा ली। मृतका के चाचा ने बताया कि लोक लाज के डर से उसकी बच्ची अपने ससुराल को नहीं छोड़ा, जिसे आज मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के चाचा ने आरोप लगाया कि सरोज के शरीर पर घाव के निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। इस पूरे मामले को लेकर संबंधित थाना प्रभारी भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों के बयान लिए। अस्पताल में महिला का पति एवं देवर भी मौजूद है, जो पूरे घटनाक्रम पर लगे आरोप को निराधार बता रहे हैं। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पर जुटी हुई है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में जानकारी के अंश। क्या नाम दादा आपका? हमारा नाम शिव शंकर मिश्रा। ये जो खत्म हुई है ये कौन है आपकी? ये हमारी भतीजी है। क्या घटना हुई है? ये मारी नहीं। कौन मारा? रामू और उसका देवर। उसका देवर है। क्यों मारे होंगे आपको पता है? ये दहेज के कारण लेकर, मतलब देवर दो देवर हैं वो मिलकर मारे हैं। नहीं तो दहेज की मांग करते थे, आपको पता था क्या इस बात का? हाँ, मतलब अब हमारे जौन रहा तो उन्हें दार दाई दी है, अब हम दोबारा कहाँ पाई देगा गरीब में। नहीं पहले भी मारपीट की? हाँ पहले मारत रहे हैं। कई बार मार चुके हैं? 5-6 बार मार चुके हैं। हाँ बेटी बता रही थी आपकी? हाँ बेटी बताती रही है। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम समझावा दे, हम बिटिया को कहे कहे कि हम निकातदारी कहो बहन कहें दूसरे जगह कर दे, कहें नहीं को पापा हमारा बिहार रह दे मर जाब तो मब कबूल है। अब हत्या की वो की पूरी शरीर बतावल रही है।
चोट लगी थी। चोट लगी है, यहाँ मारे, हाँ यहाँ मारे, हाँ यहाँ पूरे शरीर में बुकटा है। हम देखे ना, है ना, अभी इसके पहले थाने में कभी शिकायत की है? नहीं, हम कभी, अभी जब ये उसकी हत्या हो गई तो क्या थाने में शिकायत की है? नहीं किए रहे हैं, वो ही लोग करे रहे हैं। काहे के लिए? कि अब वो अपने बच्चे की तिराई करे रहे हैं। क्या कहे, क्या रिपोर्ट की थी? अब हम नहीं जानता है, बोल रहे हैं कि फांसी लगा के लटक गई है। वो झूठ मूठ को बोल रहे हैं कि फांसी लगा के लटक गई है, जबकि उसके चोट है, जबकि चोट है उसके। आपका क्या नाम है? आनंद मिश्रा। आपकी कौन लगती है? हमारी साली लगती है। क्या नाम है आपका? अशोक अवस्थी। ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसकी हत्या की? नहीं, हम कुछ नहीं किए, हम खुद उनको लटकी थी वहाँ से निकाले हैं, हम लेके आए हैं कल, खुद अकेले लेके आए थे 108 में, हमने एडमिट किया उनको। इसके पूर्व जो मारपीट आप लोग करते थे, काहे के लिए? नहीं करते थे कभी भी, अगर करते थे तो कभी थाने में कोई कंप्लेन हुई, आप बताइए। तो उसके शरीर में चोट कहाँ से आ गई? कुछ चोट नहीं है, पीएम होगा तो खुद पता चलेगा ना। अब पीएम आप करवाइए, पंचनामा करवाइए तो पता चलेगा कि चोट है कि नहीं, कि कोई बोल देगा तो चोट हो जाएगा। कहीं चोट नहीं है, कुछ कल 12 बजे उनकी मृत्यु हुई है, शरीर काला पड़ जाएगा कि नहीं ये बताइए आप। भाई हमारे ये हैं, ये हैं। अब ये आरोप मारते तो समय में नहीं देखा, मारी नहीं आए। हाँ इतने हैं कि उस 4 बजे उठी, हाँ बाहर गई, हाँ एक बालक रहा तो का बालक कार्नर भीतर ले गई, हाँ एक ही बात। आपको शंका है कि मारपीट होती थी? नहीं नहीं, वो उस दिन तो नहीं हुई है। इसके पहले होती थी? नहीं, वो पहले नहीं होती थी। हाँ बीच में अपने घर में टकराव, अपने घर में टकराव होता रहता है, उल्टा सीधा मतलब नीक नागा सब समझावत थी। उस दिन नहीं हुई बात? हाँ। चोट के निशान कैसे आ गए, कौन से, कैसे हुआ? वो जो है तो उसके ऑक्सीजन लगा रहा मुंह में, नली लगी, नली नली लगी रही उनकी गर्दन, ये गर्दन में, ये गर्दन से उसके सांस नहीं आ रही थी, इसी वजह से उनके हैं, इसी वजह से लगी रही। जी क्या नाम आपका? हमारा नाम हूँ मैं सबस। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।